हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम संस्कृत फैकल्टी सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में हम बताए थे तीसरा तृतीय पार्ट नल और दमयंती की कहानी और उसका प्रश्न उत्तर लिखाया था। आज चतुर्थ पार्ट है मम विद्यालय, सेवन क्लास का पीए वन का चौथा चैप्टर। देखिए मम विद्यालय पर पढ़ाई करना है, पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेना है। देखिए रमेश बोलता है सुरेश से, रमेश सुरेश तुम कुत्र गच्छसि, सुरेश तुम कहाँ जाते हो। सुरेश बोलता है मित्र अहम विद्यालयम गच्छामि, मित्र मैं विद्यालय जाता हूँ। रमेश फिर पूछता है तुम विद्यालय की दृश्य अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कैसा है। की दृश्य का मतलब होता है कैसा है, की दृश्य का मतलब होता है कैसा। सुरेश बोलता है मम विद्यालय सुंदर, मेरा विद्यालय सुंदर है। रमेश बोलता अहम अपि तोया सह गमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तोया मीन्स तुम्हारे साथ, तोया मीन्स होता है तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम विद्यालयम च द्रक्ष्यामि, तुम्हारा विद्यालय देखूंगा। सुरेश अवश्यम, हाँ अवश्य, आगच अवाम सहैव विद्यालय गच्छ, हम साथ विद्यालय जाते हैं। रमेश बोलता है तोया कस्या कक्षायाम पठसी, के च त्वाम पाठयन्ति, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो और के च त्वाम, और कौन कौन तुम्हें पढ़ाते हैं। सुरेश बोलता है अहम सप्तमी कक्षायाम पठामि, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम कक्षा अध्यापक श्रीमान रमन लाल शास्त्री अस्ति, मेरे कक्षा अध्यापक का नाम श्री रमन लाल शास्त्री है। सह असमान संस्कृत भाषा पाठे, वह हमें संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। अन्य अपि अनेके योगा अध्यापिका संत, और इसके अलावा और अनेक योग शिक्षक भी हैं। ये अस्माकम स्नेहन आंग्ल भाषायाम गणितम हिंदी भाषा तथा ज्ञान विषयान पढ़, इसके अलावा वे हम लोगों को जो शिक्षक और योग शिक्षक हुए हमें अंग्रेजी गणित हिंदी भाषा और अन्य विषय भी पढ़ाते हैं। रमेश फिर पूछता है तुम कक्षायाम कति छात्र, तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं। तो सुरेश बोलता है मम कक्षायाम पंचाशत छात्र, मेरे कक्षा में 500 छात्र हैं। सर्वे मम मित्राणि सन्ति, मम कक्षायाम पंचाशत छात्र सन्ति, मेरे कक्षा में 50 छात्र हैं। सर्वे मम मित्राणि सन्ति, पंचाशत का मतलब होता है 50, पंचाशत का मतलब होता है 50। सर्वे मम सभी मेरे मित्र हैं। सायं काले वयम सर्वे मिलित्वा क्रीडा क्षेत्र, शाम के समय हम सभी एक साथ मिलकर खेल क्रीडा मैदान में खेलते हैं। एक साथ मिलकर, मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर, मिलित्वा क्रीडा क्षेत्र में होता है खेल का मैदान। मम विद्यालय एक विशाल क्रीडा, मेरे विद्यालय में एक विशाल क्रीडा क्षेत्र खेल का मैदान है। रमेश पूछता है किम त्वम विद्यालय बाल सभा, क्या तुम्हारे विद्यालय में बाल सभा होती है। सुरेश हाँ आम प्रति सप्ताह, सप्ताह बाल सभा, हाँ प्रति सप्ताह बाल सभा होती है। पूज्य प्रचार्य अस्मभ्यम उपदेशम यच्छति, पूज्य प्रचार्य जो है वो हम लोगों को उपदेश देते हैं। उपदेश यच्छति में होता है देता है। अतः सर्वे छात्र अनुशासन पर, और सभी छात्र उनके अनुशासन का पालन करते हैं। रमेश धन्य असि तुम, धन्य है तुम्हारा यह विद्यालय। और ये चैप्टर मम विद्यालय समाप्त हुआ। आज के लिए इतना, कल अगले क्लास में मैं इसका प्रश्न उत्तर लिखा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।